Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा. गणेश चतुर्थी सभी चतुर्थियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं. क्योंकि इसे सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली चतुर्थी भी माना जाता है. ये तो आप सभी जानते हैं कि सभी भगवानों में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करने का विधान है. ऐसे में श्री गणेश भगवान की पूजा और प्रार्थना तुरंत फल देने वाली होती है. भगवान श्री गणेश जो सभी दुखों को दूर करने वाले हैं और प्रसन्न होकर श्री गणेश अपने भक्तों की सभी मन्नतें पूरी करते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी पे आप अपनी राशि अनुसार क्या उपाय करें जिन्हें आप करके भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकेंगे. तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि से. यदि आपकी राशि मेष है तो आप इस श्री गणेश चतुर्थी पे आप श्री गणेश भगवान को 11 दूर्वा हल्दी के जल में डालकर चढ़ाएं. तो थोड़ा सा आप जल लें, उसमें हल्दी घोलें और दूर्वा आप उसमें डाल दें. अच्छे से उसको आप हिला लें दूर्वा से, उस पर हल्दी का पानी चढ़ जाएगा. उसके बाद आप ये 11 दूर्वा श्री गणेश भगवान को चढ़ाएं और फिर आप 108 बारी श्री गणेश भगवान के मंत्र का ओम गण गणपते नमः का जाप करें. ऐसा करने से श्री गणेश जी आपको समस्त विघ्न संकट निवारण करेंगे और साथ ही आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी. यदि आपकी राशि वृष है तो इस गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश जी को सफेद फूल चढ़ाएं. उसके बाद आप गणेश भगवान को इत्र लगाएं. फिर आप गणेश जी को 9 दूर्वा चढ़ाएं और भोग में आप गणेश भगवान को मावे के लड्डू का भोग लगाएं. उसके बाद आप वहीं पर बैठकर श्री गणेश भगवान के मंत्र का जाप करें. आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम गण ओम गण. इस मंत्र का आपको 108 बारी जाप करना है. ऐसा करने से श्री गणेश जी आपको सभी समस्त कार्य में सफलता देंगे. यदि आपकी राशि मिथुन है तो इस श्री गणेश चतुर्थी पे आप गणेश भगवान को दूर्वा से बनी हुई माला पहनाएं और साथ में उनको गुड़ का भोग लगाएं. उसके बाद आप वहीं बैठकर श्री गणेश भगवान का मंत्र का 108 बारी जाप करें. मंत्र है ओम श्री गण गणपतये नमः. ऐसा करने से श्री गणेश जी आपको समस्त विघ्न संकट से निवारण करेंगे और साथ ही आपको धन धान्य की प्राप्ति भी होगी. यदि आपकी राशि कर्क है तो इस श्री गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश भगवान को सफेद आंकड़े के फूल की माला पहनाएं और साथ में दूर्वा की जड़ की बनी हुई माला को बांधकर पहनाएं और श्री गणेश भगवान को आप मक्खन का भोग लगाएं. उसके बाद आप वहीं बैठकर श्री गणेश भगवान के मंत्र का 108 बारी जाप करें. मंत्र है ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः. ऐसा करने से श्री गणेश जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे. यदि आपकी राशि सिंह है तो इस गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश भगवान को 108 दूर्वा चढ़ाएंगे. 108 दूर्वा चढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले हर दूर्वा पे आप कुमकुम का तिलक लगाएंगे. उसके बाद आप एक एक करके ये दूर्वा ओम गण गणपते नमः कहते हुए गणेश जी को चढ़ाएंगे और गणेश भगवान को भोग में आप 11 गुड़ की गोली बनाकर उन्हें भोग लगाएंगे. ऐसा करने से आपके समस्त विघ्न दूर होंगे, आपके संकटों का आपको निवारण मिलेगा और धन धान्य की प्राप्ति भी होगी. यदि आपकी राशि कन्या है तो इस श्री गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और साथ में आपको 108 हरे मूंग की दाने गणेश भगवान को चढ़ाने हैं. तो आप एक दाना लेंगे, मंत्र बोलेंगे श्री वक्तुंडाय नमः और एक दाना हरी मूंग का आप गणेश जी को चढ़ाएंगे. आप गणेश जी के सामने कटोरी रखिएगा और उसमें आप
एक एक मूंग की दाल का, हरी मूंग की दाल का दाना उठाइएगा, मंत्र बोलेगा श्री वृक्तुंडाय नमः कहते हुए एक एक दाना आपको 108 बार ऋषि गणेश जी भगवान को चढ़ाना है। उसके बाद आप ये दाल जो है किसी गरीब को दान कर दें, साथ में गुड़ का भी आप दान करें। ऐसा करने से श्री गणेश जी आपके सभी कार्यों में सफलता और लाभ देंगे। यदि आपकी राशि तुला है तो इस श्री गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश जी को 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाएं और साथ में दूर्वा चढ़ाएं। उसके बाद आप वहीं बैठकर श्री गणेश भगवान के मंत्र का 108 बारी जाप करें। मंत्र है ओम गण ओम गण। ऐसा करने से गणेश जी आपकी सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो इस श्री गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश जी को लाल रंग से रंगे हुए चावल 108 दाने चढ़ाएंगे। तो आप चावल ले लीजिएगा थोड़े से, उसको आप पहले कुमकुम डालकर, लाल रंग कुमकुम डालकर आप उनको रंग लीजिएगा। फिर आप एक एक दाना गणेश जी के सामने कटोरी रखिएगा और एक एक दाना आपको इन लाल चावलों का गणेश जी को चढ़ाना है मंत्र बोलते हुए। मंत्र है श्री विघ्न हरण संकट हरनाय नमः। मैं फिर से दोहराती हूँ, मंत्र है श्री विघ्न हरण संकट हरनाय नमः। ऐसा कहते हुए आप एक एक चावल श्री गणेश जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद आप इन चावलों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेंगे। ऐसा करने से श्री गणेश जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यदि आपकी धनु राशि है तो इस श्री गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश जी भगवान को 108 दूर्वा चढ़ाएंगे। उस 108 दूर्वा पे पहले आप हल्दी लगाएंगे। हल्दी लगाने के बाद आप मंत्र बोलते हुए, मंत्र है श्री गणादि पत्ये नमः, ये कहते हुए आप 108 बारी एक एक करके दूर्वा जो है गणेश जी को चढ़ाएंगे। साथ में आप 5 हल्दी की गांठ गणेश जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद आप एक पीले रंग का कपड़ा लेंगे और उस पे आप ये 5 हल्दी की गांठ रख लेंगे और इस पोटली को बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे। ऐसा करने से गणेश भगवान आप पे कृपा बनाएंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यदि आपकी राशि मकर है तो इस गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश जी भगवान को काले तिल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, इत्र लगाएं और वहीं बैठकर आप श्री गणेश भगवान का मंत्र बोलें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र 108 बारी आपको करना है। ऐसा करने से श्री गणेश जी आपके समस्त विघ्न को समाप्त करेंगे। यदि आपकी राशि कुंभ है तो इस गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश भगवान जी को 108 दुर्वा चढ़ाएंगे सिंदूर का तिलक लगा के। तो आप पहले रोली को घोल लेंगे, सिंदूर को घोल लेंगे और उसके बाद आप एक एक दुर्वा पे तिलक करेंगे और मंत्र बोलते हुए आप श्री गणेश जी भगवान को चढ़ाएंगे। मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। उसके बाद आप श्री गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएंगे और उस सिंदूर के तिलक के बीचम बीच आप श्री गणेश भगवान को हल्दी का तिलक भी लगाएंगे। उसके बाद आप श्री गणेश भगवान को मोदक का या गुड़ की रोटी बनाकर आपको भोग लगाना है। ऐसा करने से श्री गणेश जी भगवान आपके विघ्न संकटों का निवारण करेंगे और साथ ही साथ आपको धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। यदि आपकी राशि मीन है तो इस श्री गणेश चतुर्थी पर आप श्री गणेश भगवान को 8 हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे और साथ ही उनको पीले रंग के फूल की माला चढ़ाएंगे। तो आप गेंदे की माला श्री गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। उसके बाद आप वहीं बैठकर श्री गणेश भगवान का मंत्र 108 बारी जाप करेंगे। मंत्र है ओम गण 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 श्री गजाय नमः। मैं फिर से मंत्र दोहराती हूँ। मंत्र है ओम गण 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 श्री गजाय नमः। ऐसा करने से श्री गणेश जी आपको समस्त विघ्न संकट से निवारण करेंगे और साथ ही साथ आपको धन धान्य की प्राप्ति भी होगी। तो ये थे आपकी राशि के अनुसार आपको श्री गणेश भगवान को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपके लिए खास उपाय।
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma, Namaste.